हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। देश इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश का हर व्यक्ति पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। न जाने कितनी चीजों का सैक्रिफाइस कर रहा है। कोई वॉक पर नहीं जा रहा है, कोई अपने बच्चों से नहीं मिल रहा है, कोई परिवार से दूर है, कोई जहां है वहां का वहां रह गया है, कोई हम जैसा है जो रोज इस युद्ध में अपने आप को झोंक रहे हैं ताकि देश का एक एक बाशिंदा, एक एक नागरिक जो है कोरोना को लेकर अपडेट रहे। ये युद्ध अभी 2 हफ्ते और चलना है। इस जंग में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, आयोटा भर भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। देश के दूर दराज इलाकों के लोग भी कोरोना के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस लड़ाई का मजाक बना। ये शब्द मजाक, कुछ और भी इसमें जोड़िए, जहालत, बेवकूफी, केयरलेसनेस, गैर जिम्मेदाराना रवैया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक हजारों लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बदले 1 6 मंजिला इमारत में बैठे रहे, हजारों की तादाद में, जिनमें सैकड़ों विदेशी भी थे। और जब कश्मीर से तेलंगाना तक तबलीगी जमात के लोगों के बीमार होने की खबरें आने लगी, उनकी मौत की खबरें आने लगी, तब जाकर यहां पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी। इस हम्माम में याद रखिए सब नंगे हैं। अब आलम यह है कि इस लापरवाही की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन का मजाक बन गया है। पूरा देश इस लापरवाही की वजह से खतरे में फंस गया है। समझते ना आप, वो स्टेज 3 से हमें बचना है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हमें बचना है। और देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार के नाक के नीचे कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। आज इसी पर सीधा सवाल। पहले ये रिपोर्ट देखिए और हमारी नजर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है। हजार से ज्यादा लोगों को इस तरह की बसों में बिठा करके अस्पताल और एकांत में भेजा जा रहा है। जैनी तौर पर अगर किसी ने जो भी लॉकडाउन है या जो भी प्रिकॉशंस बताए गए थे उसका अगर किसी ने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो ये अफसोसनाक है। सरकार जो चाहे कर सकती है ना, मुकदमा तो राइट्स हुए थे वहाँ पर, तो होने चाहिए थे। इसी सरकार ने एक भी आदेश नहीं दिया। जो आज सरकार आगे बढ़ के कह रही है मुसलमानों पे मुकदमा करो, ये चुप बैठे थे। उसमें 14 तारीख से इसकी कार्रवाई शुरू हुई, उसी वक्त से हमने यहाँ से अपने मजमे को रवाना करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 22 तारीख को पब्लिक कर्फ्यू हुआ तो वो उसके अंदर जो मजमा रास्तों में था वो आकर के यहाँ रुक गया। ये किसी ने कहा कि हमने कोई चीज छुपाई है, हम पहले दिन से उनके कॉन्टेक्ट में है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-335 लोगों को अस्पताल में किया गया, बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुलिस स्टेशन है और इसके ठीक बगल वाली गली जो है वो मरकज के लिए जाती है, यानी कि 50 मीटर से ज्यादा की ये दूरी मुझे समझ में नहीं आती है। यकीनी तौर पर आप बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि इस्लाम क्या है और मजहब क्या है। कोरोना से जंग में जमात का आघा। और ये बता दूं मैं इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो कौन कौन हैं, और बहुत ध्यान से आज ये जो दलीलें दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त देश संकट में है। कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई धर्म नहीं, पूरा देश इस वक्त संकट में है और इसीलिए इन सबको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा। आतिशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है आपसे। कुछ ही देर में जफर सरेशवाला, पूर्व चांसलर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। एक यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर रह चुके हैं, और मुजीबुर रहमान साहब प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात के, इनका आज यहां पर डिबेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर एम वली, सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल के
के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, चूंकि डॉक्टर पात्रा इस वक्त हमारे साथ है और स्क्रीन पर वो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, डॉक्टर पात्रा मैं ये चाहती हूं कि आप मुझे इस लेटर के बारे में जरा कुछ बताइए। SHO को जो खत लिखा है ये कोई मौलाना यूसुफ साहब हैं जो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमें निकालिए, हमें व्हीकल पास चाहिए, हम लोग 1500 लोगों को तो भेज चुके हैं, 1000 लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई SHO ने की क्यों नहीं? आपके पास क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, मैंने SHO से अभी जानकारी ली भी नहीं है और ये मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है MHA ने आज जो अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि इसके ऊपर एक अलग ब्रीफिंग होगी, हमें उस ब्रीफिंग के लिए वेट करना चाहिए। मगर देखिए, 24 तारीख को देश लॉकडाउन में जाता है, प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं और 24 तारीख से देश लॉकडाउन में जाता है। 12 तारीख को दिल्ली सरकार एपिडेमिक एक्ट को घोषित करती है। 13 तारीख को 200 लोगों के जमावड़े को मना किया जाता है कि 200 लोग से अधिक लोग किसी भी एक जगह। मैं रोक रही हूं इसीलिए क्योंकि दिल्ली के CM जो है वो शुरू कर चुके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जरा देखिए क्या कहते हैं निजामुद्दीन केस के। 89 केसेस में एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं, भगवान करे वो भी ठीक हो जाए। 2 लोग ऑक्सीजन पे हैं, बाकी 86 सभी स्टेबल हैं और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए भी दुआ कर मांग रहा हूं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, उम्मीद करता हूं कि वो भी ठीक हो जाएं। इन 97 केसेस की हमने एनालिसिस की ये समझने के लिए कि जब केसेस थोड़े से पिछले 2-3 दिन में तेजी से बढ़ने लगे दिल्ली में, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेजी से कोरोना फैल तो नहीं रहा। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं। मरकज की पूरे घटनाक्रम पे मैं अभी बात करूंगा। 41 केसेस फॉरेन ट्रेवल वाले हैं जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने 2 महीने में उनको भारत लाया गया, वो केसेस हैं। 41 वो केसेस हैं। 22 केस ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं, जो फॉरेन से आए थे लोग हमारे, उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ, 22 केस ऐसे हैं। और 10 केसेस की अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना, लोकल ट्रांसमिशन भी अभी फिलहाल कंट्रोल में है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुई है। केसेस बढ़े हैं और मरकज का जो पूरा सिलसिला हुआ अभी, उसकी वजह से मरकज से जिन लोगों को निकाला गया है, हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। मरकज में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफी लोग रुक गए। अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहां से निकाला जा रहा है। वहां पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें, जैसा मैंने बताया अभी, जो टेस्ट्स के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उनमें 441 लोग ऐसे हैं, अभी तक 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है, उनके सबके टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 1107 केसेस उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया, इनमें सिम्टम्स नहीं थे, इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे। अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो रही है, स्पेन में हजारों लोगों की मौत हो रही है, इटली में हजारों लोगों की मौत हो रही है, चाइना में हजारों लोगों की मौत हुई है। कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं,
ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया, इस वक्त नवरात्रे के टाइम चल रहा है लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने, यहां से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा ये सोच के भी डर लग रहा है, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो। तो मैं सभी रिलीजियस लीडर्स से, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी हरकत मत कीजिए, चाहे किसी की धर्म के हो, सभी इंसान हैं और हर इंसान की जिंदगी प्यारी है। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहां से निकले थे, तेलंगाना पहुंचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जो जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी जिंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। कुछ दुकानों में जो राशन बट रहा है, बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं, कुछ दुकानों में राशन खत्म हो गया है, वहां पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं, चिंता मत करो, राशन हम रोज केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बंटवा रहे हैं, तो आपका राशन आएगा, हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। जिस जिसके पास राशन कार्ड है राशन की दुकान से, उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा। मैं सुना आपने क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, हम ये कह रहे थे कि हम नजर बनाए रखेंगे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और खासकर जो निजामुद्दीन में हुआ है, अफसर की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो खत लिखा था, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने तो एसएचओ को बताया था। अच्छा, मैं उन तमाम लोगों को बता देना चाहती हूँ जिनको निजामुद्दीन के बारे में नहीं मालूम है या इस मरकज के बारे में नहीं मालूम है, आप बस 20 कदम की दूरी मरकज से लीजिए और 20 कदम चलेंगे और आपको निजामुद्दीन का पुलिस स्टेशन दिखाई देगा। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटर है, ये जो मरकज है, इसका और पुलिस स्टेशन की दीवार मिलती हुई है, और ऐसे में पुलिस को इसकी जानकारी ना हो, ये जवाब पुलिस को ही देना होगा। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संबित पात्रा अपनी बात नहीं पूरी कर पाए थे, मैं चाहती हूँ संबित आप पहले अपनी बात पूरी करें और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। कोरोना की इस जंग में मैं बहुत क्लियर हूं, ये लाइन बहुत क्लियर है कि जमात की जहालत के चलते इस पूरे देश के साथ आघात हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने रूबिका जी, और बहुत रेस्पॉन्सिबली हमें एक एक बात को रखने की आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट के पश्चात लॉकडाउन शुरू हुआ, और आप याद करिए कि 12 तारीख को ही दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, बल्कि एपिडेमिक एक्ट लगा दिया था दिल्ली में, जिसके अंतर्गत बहुत बड़े जमावड़े नहीं हो सकते थे। 13 मार्च से ये रूल आ गया था कि 200 लोगों से अधिक लोग एक जगह दिल्ली में जमा नहीं हो सकते थे। 16 मार्च को ये रूल आया कि 50 लोगों से अधिक जमा नहीं हो सकते थे। 19 मार्च को इसको अमेंड करके किया गया कि 20 लोग भी जमा नहीं हो सकते थे, और 21 तारीख को, 21 मार्च को इसे 5 लोगों तक सीमित कर दिया गया कि कहीं भी 5 लोगों से अधिक नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी ये जमात होता है, 12 दिनों तक जमात चलती रही उसके बावजूद। मुझे 2-3 बातें कहनी है, क्योंकि मुख्य क्वेश्चन है कि किसकी गलती है।
बहुत लोगों की गलती होगी, जमात की नंबर वन जमात की गलती है कि उन्होंने इस प्रकार के एडवाइजरी के बावजूद, इस प्रकार के एपिडेमिक एक्ट लगने के बावजूद भी 12 दिनों तक ये कॉन्ग्लोमरेशन जारी रखा, नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल वहां के एसडीएम की भी गलती होगी, ऑफिसर की भी गलती होगी। जिस चिट्ठी के विषय में आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, अगर एसएचओ को चिट्ठी लिखी गई तो एसएचओ से भी ये सवाल पूछा जाएगा। चौथा, एक बहुत बड़ी बात है कि वीजा रूल्स को, अभी मैं देख रहा था तमाम अखबारों में भी ये बात आ चुका है आज डिजिटल अखबारों में कि वीजा रूल्स को फ्लॉन्ट किया गया। लगभग 500 लोग बाहर से आए थे, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, और इन लोगों ने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके ये आए, जबकि इनको मिशनरी वीजा में आना चाहिए क्योंकि एक धार्मिक कॉन्ग्लोमरेशन में एक ही जगह जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नेक्सस के अंतर्गत वीजा को भी इन्होंने फ्लॉन्ट किया है। तो ये सारा कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ओके, मुजीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात के। मुजीबुर रहमान साहब, आज पूरा देश बात कर रहा है इस जमात के बारे में, और पता है क्या बात कर रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आपसे छुपा नहीं है साहब। बात यह कर रहा है कि बेवकूफी के चलते दीन बांटने वाले आज मौत और दर्द बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों छुपाया आपने? आपको क्यों 24 और 25 तारीख को याद आया कि आपके पास हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं? उससे पहले दिल्ली सरकार के किसी भी फैसले और आदेश पर आप लोगों ने क्यों सीरियसनेस नहीं दिखाई? मुजीबुर रहमान साहब, हमारी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीरियसनेस दिखाई। जमात के अंदर तकरीबन जो जगह है वहां पर हमेशा लोग रहते हैं 12,000 और 10,000 के करीब, लेकिन आप देखेंगे वहां पे सिर्फ 2,500 लोग ही रह गए थे, क्योंकि पहले से ही जमात ने, जब सरकार ने हमारी कोई स्टेप नहीं उठाया था, जमात ने खुद से एक स्टेप उठाया आगे बढ़ के दुनिया को देखते हुए, और जो जमातें बाहर से कंट्रीज से आ रही थी या जो लोकल जमातें नई बन रही थी उन सबको बोला गया कि नहीं निकलिए, नहीं आइए। उसकी स्टेप के चलते चलते जो है वो 22 तारीख तक वहां पे सिर्फ 2,000 के करीब में लोग रहे, और आज की तारीख में वो तकरीबन 1,200 के करीब लोग रहे। वो इसी वजह से रहे क्योंकि जमात एक स्टेप उठा रही थी, जबकि हमारी सरकार ने स्टेप 22 तारीख को पहली बार उठाया कि भाई जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया, और उससे पहले जमात ने पूरे जो एसटीएम है वहाँ को एक 17 गाड़ियों के नंबर दिए, उनके ड्राइवर्स के नाम दिए कि ये हैं लोग, आप हमें इनको परमिशन दें ताकि वहाँ से हम हटाएं लोगों को। क्योंकि जमात में क्या होता है कि लोग 4 महीने पहले, 40 दिन पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले निकले हुए होते हैं, वो सडनली नहीं इकट्ठे हुए, एक रात में नहीं इकट्ठे हुए वहाँ पर आकर के, तो उनको जो है निकालने की जिम्मेदारी सरकार की थी। और ये इंटरनेशनल मरकज है, मुझे भाई मेरी बात सुनिए, 22 तारीख नहीं, मैं 12 तारीख से शुरू करती हूँ, मैं 12 तारीख से शुरू करती हूँ। क्या आपको ये पता है, राघव चड्ढा यहाँ पर बैठे हुए हैं, 22 तारीख को दिल्ली सरकार ने एपिडेमिक एक्ट लागू कर दिया था, आपको मतलब पता है इसका? 12 तारीख छोड़ दीजिए, 13 मार्च को 200 लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी थी, आगे आइए आप, 16 को 50 लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगी थी। मैं कैसे मान लूं कि शाहीन बाग जैसी जगह से लोग हट जाते हैं और जमात में लोग बैठे रहते हैं, क्यों? मैं कैसे मान लूं इस बात को? जमात में लोग नहीं बैठे रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। जमात को आप 12 तारीख की बात कर रही है, मैं उससे बहुत पहले लेके जाऊंगा। आप 4 महीने पहले लोग घरों से निकल जाते हैं जमात के लिए, बाहर कंट्रीज से लोग आए हुए होते हैं, 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 2 महीने पहले। अब वो सडनली शादियां कैंसिल हो रही है, मासूम बच्चों से डॉक्टर माए मिल नहीं पा रही है, ये क्या 4 महीने पहले की आप रट लगाए हुए हैं मुजीबुर रहमान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी ने हाथ बांध दिए थे? आप लोगों को डिसअपीयर नहीं कर देंगे ना? लोग तो निकले हुए हैं पहले से, हमारी सरकार ने, सरकार के किसने हाथ बांधे थे 12 तारीख से पहले? विदेशों से लोग आ रहे हैं पॉजिटिव, वो कैसे देश के अंदर घुस रहे हैं? सरकार के किसने हाथ बांधे हुए थे, या सरकार को एक एडवाइजरी जारी करने के लिए जमात को? हर बार दूसरों, हर बार आप पाक साफ, हर बार, बल्कि हर बार आप पाक साफ, और आपको आप विक्टिम अपने आप को बना दीजिए और बाकी सब जो है वो कटघरे में खड़े हो जाने चाहिए। कब तक ऐसे चलेगा मुजीब भाई? कब तक ऐसे चलेगा बताइए? आप कह रहे हैं कि सरकार ने क्यों आने दिया? अरे आपने क्यों आने दिया? आप मुझे ये बताइए ना, इस भयंकर जंग में एक एक आदमी, एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, हर चीज सरकार पर आप डाल देंगे, जिम्मेदारी आपकी कुछ नहीं है मुजीबुर रहमान? आप अपने घर में, मुझे ये बताइए, आप अपने घर में मुजीबुर रहमान किसी शख्स को आने देंगे? सरकार ने आज की तारीख में कोरोना वायरस, कोरोना काल में किसी को आने देंगे? करेंगे हिम्मत अपने बच्चों को, अपनी अपनी अपने घर वालों को परेशानी में डालने की? इसीलिए
इसीलिए नहीं आने दिया गया हमने, इसीलिए जमात के आज वहां पर सिर्फ जो है 1200 लोग हैं, वरना वहां पर 8000 लोग होते अगर वो यूजुअल कोर्स में चल रहा होता। इसीलिए क्योंकि नहीं आने दिया गया, पहले से ही हमने स्टेप लेने शुरू कर दिए। प्लीज खुदा के वास्ते मुझे भाई आज की तारीख में आंखें खोल दीजिए, कान खोल दीजिए, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, आज का मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, नहीं। सरकार वर्सेस किसी और धर्म जात पात का नहीं है। आज जो लापरवाही हुई है उसका मसला है। तो इसीलिए जफर सरेश वाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर साहब एक सेकंड मुझे भाई रुक जाइए। अभी जफर साहब, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं 24 तारीख को क्यों याद आता है जमात को, क्यों याद आता है 24 तारीख को कि हम यहां पर रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे पहले क्यों नहीं? हम सबकी जिम्मेदारी है ना जफर साहब, आप भी नहीं निकले होंगे घर से मुझे यकीन है। रूबिका जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा तबलीग जमात से बचपन से ताल्लुक है और मैंने सिर्फ हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी में 30 चिल्ले लगाए और बाहर के मुल्कों में भी, और मौलाना जो साद साहब है उनके साथ मेरे कई सफर भी हुए हैं। और एक और बात बता दूं मैं कि तबलीग जमात का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता। एक रही बात ये जो हुआ है, देखिए कि मैंने खुद ने एक महीने या डेढ़ महीने पहले जब शुरू में जिन तारीख में ये जोड़ हुआ, ये तबलीग जमात का, देखिए पहले तो रूबिका जी ये समझ लीजिए कि इस किस्म के इनके जो जोड़ हैं ये पूरे साल भर, यानी एवरेज पूरे साल में एवरेज एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तबलीगी मरकज में 3-4 हजार लोग होते हैं हमेशा, और पिछले 70 साल से होते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं मैं कि पुलिस स्टेशन जो है निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, जो दिल्ली का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, उसके और निजामुद्दीन के दरमियान में एक दीवार है, और वो पुलिस स्टेशन में एक डिवीजन है LIU का, जिसका सिर्फ काम है टू कीप टैब ऑन तबलीग। यानी तबलीग में कोई भी शख्स आता है मरकज पे, एवरी एंट्री एंड एग्जिट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस स्टेशन। मतलब ये पुलिस स्टेशन को नहीं मालूम, ये बिल्कुल गलत बात है। सुनिए मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बात तो है कि ये किया, लेकिन कई लोगों ने, जैसे मैं खुद तबलीगी हूं, मैंने 1.5 महीने पहले और भी बहुत सारे लोगों ने मौलाना साद साहब को कहा था पर्सनली कि आप सारी कांग्रेगेशन जो है आपके इज्तिमात हैं, जमात की नकलो हरकत है, इसको बिल्कुल रोक दीजिए। फिर और मरकज निजामुद्दीन के अलावा हिंदुस्तान में उनके हजारों मरकज हैं, सबने बंद कर दिया था। बल्कि मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पर कि जिस दिन यहां मरकज में इज्तिमा हुआ इनका, जिस दिन, उसी दिन पाकिस्तान में भी था और वहां 2.5 लाख लोग जमा हो चुके थे। मौलाना तारिक जमील साहब स्टेज पर गए, 10 मिनट में उन्होंने दुआ कराकर लोगों को अपने घरों में भेज दिया। इसको टाइम देखता तो है, मैं ये कहना चाहता हूँ जफर भाई, आप मुझे ये बताइए, कोरोना वायरस कोई टाइम देखता है? जरूर कोरोना वायरस कोई देखेगा कि दुआ पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, हिंदू है कि मुसलमान है, कि औरत है कि मर्द है, कि बच्चा है कि बुजुर्ग है? कोरोना वायरस को मतलब है इस चीज से? रूबिका जी यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो 1.5 महीने पहले लोगों ने कहा कि भाई सारे कांग्रेगेशन आप बंद कर दीजिए। तो क्यों बंद ना नहीं कोई हुआ जफर साहब? ना कोई जाए, बल्कि जिस, बस यही देखिए यही है। हालांकि जब ये मैंने तो खुद बात की डायरेक्ट, मैं किसी वास्ते से नहीं, मैंने आज सुबह में भी और कल भी समझदार पढ़े लिखे लोगों ने मौलाना साद से बात की, उनसे कहा जो जहां बस खत्म कर दीजिए, अभी जमात की कोई जरूरत नहीं है, अभी रुक जाना चाहिए, दीन बांटना है, दर्द नहीं बांटना है, उसके बावजूद नहीं माने, क्यों नहीं माने, क्यों? मैं इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। और प्लीज रुके आप, और मेरा वादा है, जैसा मैंने कहा है, यहाँ पर हम लड़ाई और झगड़ा करने नहीं बैठे हैं, हम असलियत और हकीकत पर और हक पर चर्चा करने बैठे हैं। सुनिए रूबिका जी, रूबिका नहीं, इसलिए कि भाई मैं मेजर सर्जरी से बाहर आया हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ, इसलिए आप मुझे छुट्टी दीजिए, मेरे लिए बैठना ही बहुत मुश्किल है। मुझे लास्ट एक सवाल पूछ लीजिए और मैं चला जाए, कम आउट फ्रॉम अ मेजर हार्ट सर्जरी। आई हैव नो आइडिया जफर साहब, मेरी शक्ल से आपको नहीं लगता होगा, आज 15वां दिन है। नहीं नहीं, मुझे अंदाजा भी इस बात का नहीं था, माफी चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप मुझे लास्ट सवाल पूछ लीजिए, मैं बस आपसे, मुझे ईमानदारी से बताइए, ये जो हुआ,
इसमें तबलीगी जमात की जिम्मेदारी बड़ी है कि नहीं है? जफर साहब, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, आज ये हिंदू मुसलमान वाला मसला हाँ, नहीं बिल्कुल है। हाँ ईमानदारी से, नहीं नहीं ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से। और मौलाना साद साहब मेरे दोस्त हैं, आज से नहीं बचपन से, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हमसे चूक हुई है। और कई लोगों ने मशवरे दिए थे कि आप रोक दीजिए, जबकि पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता हर तबलीगी मरकज ऑडियो वायरल हो रहा है मौलाना साद कर दी थी। हाँ, मौलाना साद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना सच है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, कोरोना इस्लाम के खिलाफ साजिश है। इसलिए देखिए ये मुझे भी मालूम है, बल्कि जब ये मैंने सुनी वीडियो तो मैंने डायरेक्ट फोन किया कि ये क्या हो रहा है। हालांकि देखिए इसके मुकाबले में मौलाना साद साहब ने जो कहा उसके मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में इस्लामिक स्कॉलर्स पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, आज से नहीं डेढ़ महीने दो महीने से, कि खुदा के वास्ते जुमा अपने घर में पढ़िए, नमाजें अपने घर में पढ़िए। नहीं नहीं, तो अब ये एक तबलीग मरकज निजामुद्दीन की एक गलती से आज हमको ये भुगतना पड़ रहा है और हमको आज जवाबदेही में हमको खड़ा रहना पड़ा। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल जवाबदेही किसी की बनती है तो वो जमात। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के उन्होंने कोई गलती की, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे मतलब ही नहीं है जफर साहब कि जानबूझ कर की है कि अनजाने में हो गई है, मुझे आज की तारीख में उससे मतलब नहीं है। जो हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों हुआ। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए, फिर भी मैं इंतजार करूंगी कि अगर आप बैठ पाए और बीच में कहीं इत्मीनान से रहिए, बीच में कहीं अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं जानती हूं आप कह रहे हैं बहुत बड़ी सर्जरी से आप होकर गुजरे हैं, आपको रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। अब मैं आगे बढ़ूंगी। संबित पात्रा, पात्रा साहब आज बाकी ये दिन है क्या? ये मौलाना साद जो जफर साहब बता रहे हैं कि दोस्त है, आज इससे किसी को वास्ता और किसी से मतलब नहीं है। असलियत यह है कि तबलीगी जमात की इस बेवकूफी के चलते पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है, यहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भुगत रहा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, देखिए 19 राज्य 19 स्टेट्स में तबलीगी के लोग गए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मालूम पड़ा है 6 लोगों की कल तेलंगाना में मृत्यु हो गई है। दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और सबसे बड़ी बात है, अभी मैं सुन रहा था जफर साहब को, जफर साहब को बड़ा सम्मान भी करता हूं और जल्दी वो ठीक हो जाए, बीमार है जल्दी ठीक हो जाए, मगर उन्होंने कहा कि जानबूझ के नहीं किया होगा। देखिए मेरे पास आज, मैं विकास भदौरिया जी का ट्वीट देख रहा था, वो आपके बड़े रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है मौलाना साद के उस भाषण को। उन्होंने मौलाना साद कहते हैं ये कोरोना वायरस मुस्लिम्स को अलग अलग करने की एक साजिश है, बिखेरने का बहाना है और इस बीमारी से कोरोना से कोई मुस्लिम ना डरे। अगर ये आप भाषण में कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेशन में ये कहते हैं कि कोई कोरोना से ना डरे, ये केवल एक साजिश है, तो स्वाभाविक है 3-4 हजार लोग वहां मौजूद थे, किस प्रकार का संदेश जाता है। और दूसरी बात, अभी मैंने टीवी में देखा, तमाम चैनल्स आप भी शायद दिखा रहे होंगे, कि जो लोगों को बस में बैठा के अभी लिया जा रहा था क्वारंटाइन करने के लिए, वो जगह जगह थूक रहे हैं और जबरदस्ती अभी पुलिस ने उनके गाड़ी के जो खिड़की होते हैं उसको सील कराया। और एक रिपोर्टर थी वहां पर, एक बहुत जानी मानी रिपोर्टर थी, वो तुरंत वहां पीछे हट गई ताकि उनके ऊपर थूक ना गिर जाए। ये किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ऐसे होना चाहिए? हमें जवाब दीजिए, आप लोगों को क्या लगता है? कौन आप क्या कहां कर रहा ऊपर जन्नत से उतर कर आए, सीधे आग के दरिया से निकल कर आए हैं आप लोग? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, किसने कहा कि नहीं छू पाएगा? अगर नहीं हो रहा होता तो वहां पे लाखों की तादाद में, तो फिर मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए, छिन्न छिन्न करने के लिए है? अब तो कहां कह रहे हैं वो, किससे कह रहे हैं ये बात? अरे आपने देखा नहीं, ये आप तो खुद कह रही हैं वीडियो का, आपको ऑडियो रिसीव हुई है, आपको खुद कंफर्म नहीं है, आपको इस बात का एहसास ही नहीं। ऑडियो वायरल हो रहा है और आपके पास ना आया हो, मुझे बोले रहमान साहब, दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग, तो बड़े पक्के हैं चीजों के। वायरल कुछ भी होता, पूरा नेट है आपका, वेब है आपका। हम नहीं,
मैंने नहीं देखा है वो, और ना कि इस तरीके की कोई हिमाकत कोई कर सकता है। और अगर किसी कोई पर्सन अपने लेवल पे कुछ कर रहा है तो जमात को ही जो है, मुझे रहमान नहीं है, मुझे भाई अब रुकिए रुकिए मैं आती हूँ। हाँ एक सेकंड, राघव चड्ढा भी हमारे साथ है। राघव आई एम सॉरी थोड़ा देरी से आ रही हूँ, क्योंकि आपने सुना जफर सरीश वाला की तबीयत खराब थी, नासाज थी, तो एक ही बार में मैं उनसे सारे सवाल पूछ लेना चाहती थी। लेकिन सरकार के आदेशों को इतना नॉन सीरियसली लेना कि अब आलम यह हो गया है कि हम स्टेज थ्री की तरफ बस खड़े हुए हैं और प्रॉब्ली हम एंटर कर चुके हैं। राघव आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी ऑडियो नहीं आ रहा है राघव। ठीक है मैं चेक करवाती हूँ राघव, मैं चेक करवाती हूँ फिर आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर वली, कल शाम को ये खबर आई डॉक्टर वली, और उस वक्त इतनी परेशानी होने लगी, ये फ्लैटनिंग द कर्व जिस पर हम फक्र कर रहे थे अब वो पूरा उल्टा हो गया है। मैंने वो देखी खबर, मैंने तुरंत एक नेशनल अपोलॉजी की है तबलीगी जमात की तरफ से और इसके जिम्मेदारों की तरफ से। नथिंग लेस देन ए नेशनल अपोलॉजी इज द डिमांड ऑफ द आवर। फर्स्ट थिंग वी शुड कम आउट एंड एक्सेप्ट दिस, द होल कंट्री इज अग्रीव्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। दीज आर टू थिंग्स सेपरेटली हैपनिंग, एक तो ये केसेस का मिलना, इस जमघट का मिलना, इसका पिछली जुमा से मैं लोगों से कह रहा हूँ। मैंने एक चैनल पे संबित साहब के साथ भी शेयर किया था शाम को एक दिन टॉक, जब ये थर्सडे था और फ्राइडे को मेरी फिक्र थी कि जुमा कोई न पढ़ने जाए। सर फिरे लोग बहुत होते हैं जो बहुत ही दीवानगी की हद तक धार्मिक होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है इस्लाम में। मैं आपसे बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आसानी सिखाता है, जो प्यार मोहब्बत सिखाता है, और दो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें सिखाता है जिसमें फर्स्ट है देश प्रेम और दूसरा है कहना मानना, ओबीडियंस, ओबीडियंस। एंड फॉर द ओबीडियंस एवरीबॉडी आई एम टेलिंग, भैया प्रधानमंत्री की बात मान लो, डॉक्टर वली नहीं मानोगे तो प्रधानमंत्री जी डॉक्टर वली आप एक अलग बात कर रहे हैं। जफर सरेश वाला, आप दोनों तबलीगी जमात को बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर वली आप लोग तबलीगी जमात के बारे में कुछ और कह रहे हैं, ये मुजीबुर रहमान जो यहाँ पर मेरे भाई बैठे हुए हैं वो कुछ और ज्ञान दे रहे हैं। यही तो डिफरेंस है ना, कि ग्राउंड पर कुछ और हो रहा होता है और बड़े आलम इसके बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं। नहीं नहीं देखिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये हमको इस वक्त डिफेंसिव नहीं होना है। अच्छा इंसान, बहादुर इंसान वो होता है जो अपनी गलती को मानता है और आगे से ऐसी गलती ना हो उसके लिए कोशिश करता है। गलती सबसे होती है, जहाज गिर जाते हैं समुद्र में, टाइटैनिक डूब गया था, दैट्स नॉट अ बिग डील। वली साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मुझे लगता है आपकी बातों में दम है और मुझे इस मसले पर जबरदस्ती आपसे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि हमें इस पूरे राष्ट्र से इस वक्त तबलीगी जमात की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। क्या तबलीगी जमात माफी मांगेगी या फिर सरकार के ऊपर उल्टा जो है आरोप लगाती रहेगी? राघव चड्ढा आपकी आवाज, मुझे आवाज आ रही है कि आ चुकी है, पहले आप अपनी बात रख लीजिए उसके बाद आती हूँ डॉक्टर वली, वेलकम टू यू सर। देखिए दो तीन चीजें हैं रूबिका जी, पहली चीज तो यह है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजर हैं जमात जो है इस पूरे इवेंट की, उसका दोष साफ साफ नजर आता है। उन्होंने दिल्ली सरकार के तमाम ऑर्डर्स का वायलेशन कराया। दूसरी चीज, कुछ मजबूत सवाल, कुछ जरूरी सवाल प्रशासन से भी पूछने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। पहली चीज तो यह, जब 12 तारीख को दिल्ली सरकार का ऑर्डर ये जारी हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से आता है उसकी स्क्रीनिंग होगी और वो सेल्फ क्वारंटाइन में जाएगा, चाहे सिम्टम हो या ना हो वो सेल्फ क्वारंटाइन में जाएगा, तो कैसे 17 देशों के, मैं फिर से सुनिएगा, 17 अलग अलग देशों के लोगों को आने दिया गया बिना स्क्रीनिंग के, उन्हें एयरपोर्ट से निकाला गया और आराम से इस मरकज में आकर एक कार्यक्रम में शिरकत लेने की इजाजत दी गई। तो सिविल एविएशन हो, दिल्ली पुलिस हो, हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, सब कहीं ना कहीं चूक गए। दूसरी चीज, 13 मार्च को सरकार ऑर्डर जारी करती है कि 200 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, 16 मार्च को सरकार ऑर्डर करती है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा होंगे, और इसी के चलते आईपीएल मैच रद्द होता है, इसी के चलते शॉपिंग मॉल बंद होते हैं, इसी के चलते तमाम कॉन्फ्रेंस
और तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की ऑर्गेनाइजेशंस बंद होती हैं, लेकिन फिर भी ये इवेंट जारी रहता है। मात्र 50 मीटर दूर पुलिस स्टेशन है मरकज से, मात्र 50 मीटर। क्या पुलिस वालों को नहीं पता था कि यहां पर 4000 लोग जमा हो चुके हैं? क्या पुलिस वालों को नहीं पता था कि डीएम का ऑर्डर है, एसडीएम का ऑर्डर है, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है? और जो लोग मजहब की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें यह बता दूं कि अगर आप इस्लाम की भी बात करें तो काबा 4 मार्च को बंद हो गया था, लेकिन यहां पर इस प्रकार की गैदरिंग चलती रही। कहीं ना कहीं लापरवाही दिल्ली पुलिस की, सिविल एविएशन मंत्रालय की, एयरपोर्ट अथॉरिटी की नजर आती है। दूसरी चीज, मैं आपको एक और चीज बता दूं, दिल्ली के अंदर कोई भी इवेंट जो हुआ होता है, जमावड़ा होता है, चाहे आईपीएल मैच हो, चाहे आप कोई एक इंडिया गेट पर अपनी न्यूज डिबेट करें, हर चीज, हर इवेंट की परमिशन दिल्ली पुलिस देती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक विशेष राज्य है। इस इवेंट की परमिशन भी दिल्ली पुलिस ने दी, तो दिल्ली पुलिस के पास तो आधिकारिक सूचना थी इस इवेंट की, फिर भी दिल्ली पुलिस ने इवेंट होने दिया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ इसके ऑर्गेनाइजर की और दिल्ली पुलिस की दोनों की तय होनी चाहिए। मैंने और किसी आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आप लोगों को हाथ पर हाथ बांधकर सिर्फ ये तमाशा होते हुए देखना था। अगर दिल्ली पुलिस ही को सब संभालना है राघव चड्ढा, तो ऐसा कीजिए ना, आप अपनी सरकार सौंप दीजिए दिल्ली पुलिस को, आप अपनी सरकार पहुंच लीजिए, दे दीजिए बीजेपी को। फिर वो एक सेकंड राघव रुकिए, कई सालों में मैंने बहुत बहस करी रूबिका जी, राघव एक सेकंड, और अन्य बहसों में जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया, आप जानती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि दिल्ली एक विशेष राज्य है, इसमें ऑर्डर जारी करने का अधिकार राज्य की सरकार को होता है, ऑर्डर लागू करने का अधिकार राज्य की पुलिस यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का होता है। कोई भी वकील, कोई भी प्रशासनिक आदमी आपको यही बताएगा के बारे में, इस तबलीगी जमात को चेताया कि नहीं चेताया? मैं पहले आपकी जिम्मेदारी पर पूछ लूं, और वो रहे संबित पात्रा, आप जितनी भी बातें करें, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो, ये सरकार के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली केंद्र सरकार के, और इससे किसी तरह की कोई दो राय नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। संबित पात्रा जवाब दीजिए, आरोप बड़ा है आपके। रूबिका जी, सवाल पूछना भी चाहिए, मगर मैं एक आपसे निवेदन भी करूंगा, और आप कर भी, मान भी रही है इस बात को, कि आज आरोप प्रत्यारोप नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से, बिना चिल्लाए हम डिबेट को करें, और बिल्कुल आप आरोप फिक्स भी करिए। दिल्ली पुलिस के बारे में पूछा गया, अभी दिल्ली पुलिस ने 2 चिट्ठी जारी की है, आप थोड़े देर में आप देखिएगा, आपके सामने भी होगा, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 2 बार हमसे परमिशन मांगा गया, दोनों बार परमिशन रिजेक्ट कर दिया गया। इसको पुलिस ने अभी जारी किया है, कुछ चैनलों ने दिखा दिया है, कुछ चैनल सभी दिखाना चालू कर रहे हैं, आपके सामने भी आएगा। तो ये रिजेक्टेड परमिशन था, परमिशन ग्रांट नहीं हुआ था। एसडीएम भी क्या कर रहे थे, ये भी सवाल आता है, कुछ स्वाभाविक है एसडीएम, मैं तो कह रहा हूँ, अगर दिल्ली पुलिस का कोई, मैं चिल्ला चोट नहीं करना चाहता हूँ, शांति से, मैं चिल्ला चोट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चिल्ला चोट नहीं करना चाहता हूँ, एक सेकंड दिया, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक सेकंड, मेरे ख्याल से आप फैक्चुअली गलत है, आपको ये बात नहीं पता है कि मरकज में कोई इवेंट नहीं होता है, मरकज इज अ सेंटर, वो एक सेंटर है, वहाँ कोई इवेंट नहीं होता है, वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, दीन को समझते हैं, और फिर वहां से दीन को समझाने के लिए जाते हैं, तो इवेंट की परमिशन लेने की मरकज में जरूरत नहीं होती है। आप प्लीज अपने फैक्ट्स को सही कर लीजिए। डॉक्टर वली, मरकज में कोई इवेंट होता है क्या? रूबिका जी, मैं 10 सेकंड कंप्लीट करूं, सवाल पूछा गया, नहीं इसे राउंड द क्लॉक, डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिए, इसे राउंड द क्लॉक, एग्जैक्टली, कोई एक दिन का कोई इवेंट नहीं होता है, वहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं, बातें करते हैं, फिर उसके बाद फैल जाते हैं अलग अलग इलाकों में, ताकि इस्लाम को फैलाया जा सके। डॉक्टर पात्रा, कोई इवेंट नहीं हो रहा था, वो इवेंट नहीं था, कॉन्ग्लोमरेशन था, और जैसा कि आपने बताया, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का पीरियड ऑफ टाइम में हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए परमिशन नहीं दिया था, ये अभी सामने भी आ रहा है, डिजिटल मीडिया में सामने आ चुका है, ये दिल्ली पुलिस भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर बताएगी इस विषय को। दूसरी बात है, देखिए, वीजा के बारे में पूछा गया कि ये क्वारंटाइन क्यों नहीं हुए। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो लोग उतरते हैं एयरपोर्ट पे उनको फीवर हो या सिम्टम्स हो, उनको सेल्फ क्वारंटाइन करने की हिदायत दी जाती है। आप अगर घर से आकर भाग जाए, सेल्फ क्वारंटाइन नहीं करे, तो दिल्ली पुलिस हर किसी के घर के बाहर खड़ी नहीं हो सकती है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नागरिक या हम बाहर से आने से, देश के वीजा रूल्स को मानना, ये हर किसी का कर्तव्य होता है। मैंने आपको कहा वीजा रूल्स लॉन्च किया गया,
टूरिस्ट वीजा पे यहाँ बैठे हैं मरकज के प्रवक्ता, इनसे पूछिए मिशनरी वीजा के को छोड़कर जिसमें आना चाहिए था क्योंकि आप एक मिशनरी एम पे आए थे, मिशनरी वीजा छोड़ के आप टूरिस्ट वीजा पे क्यों आए थे? 10 सेकंड ठीक है, संबित पात्र रुकिए, मेरे पास बाबा सब वक्त की कमी है। जो जो मैं संबित जी की बात से सहमत हूँ, जो जो व्यक्ति, लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो जो व्यक्ति भारत की धरती पर लैंड करता है विदेश से, उसको सेल्फ क्वारंटाइन में जाना था। सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब है वो अपने घर में जाकर बंद हो जाएगा, और ये सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस लगातार लोगों के घर के बाहर बड़ा बड़ा स्टिकर लगा रही है। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक हूं, मेरी विधानसभा के अंदर 6 जगहों पर जो लोग विदेश से आए उनको बंद कर दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी काम से बड़ी मुस्तैदी से स्टिकर लगाकर उनको बाहर ना निकलने का पूरा इंतजाम किया है। ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उनको हिदायत नहीं दी जाती है, उनको ऑर्डर निर्देश दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस की अगर चूक हुई है तो हमें ये स्वीकारना चाहिए, ये ठीक करना चाहिए। सर ऐसा है, मैं प्रैक्टिकलिटी पर बात करती हूँ। मैं आज दिल्ली पुलिस और आप पर और संबित पात्रा पर ब्लेम लगाने से पहले मैं मरकज पर ब्लेम लगाऊंगी और बेखौफ होकर लगाऊंगी, निडर होकर लगाऊंगी। मुजीबुर रहमान साहब, सबसे पहली गलती आपकी है। मरकज जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार का मरकज, मरकज सरकार का मरकज नहीं। डॉक्टर वली अगर माफी मांग सकते हैं मुजीबुर रहमान, तो मुझे लगता है आपको भी सर झुकाकर आज देश से माफी मांगनी चाहिए। बात तबलीगी जमात के प्रवक्ता होने के नाते आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने देश को किस संकट में डाल दिया है। हमारे हमारे माफी मांगने से, हमारे माफी मांगने से अगर सोल्यूशन हो जाए तो हम 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन सबसे पहली चीज ये है, हम 100 बार माफी मांगेंगे, हम 100 बार माफी मांगेंगे, लेकिन अगर हमारे माफी मांगेंगे, हमारी सरकार जो है फेल हुई है पूरे तरीके से। सरकार फेल नहीं हुई है, आपने हिंदुस्तान को फेल किया है मुजीबुर रहमान साहब, करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। गफलत में मत रहिए, ये सिर्फ जब नहीं, अंडमान निकोबार तक आपने इस कोरोना वायरस को पहुंचा दिया है, जा रहा है हिंदुस्तान की इस जंग में कोरोना वायरस से। आपने कोरोना वायरस को चुना है, आप कोरोना वायरस के योद्धा बने हैं मुजीबुर रहमान साहब। खुदा के वास्ते सर झुकाकर आज देश से माफी मांगिए। कहां लेकर जाएंगे इस घमंड को? फैला है, कहां लेकर जाएंगे इस घमंड को? मुझे ये बताइए, ये चला है कहां लेकर जाएंगे इस जहालत को? मुझे ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया में फैला है ये, और ये आपने उसे फैला बढ़ाया है। जमात से ये फैला है, अब पूरी दुनिया में फैला है, लोग घरों में बंद हैं, जिम्मेदारी से नहीं जान कर सकते, लोगों को घरों से निकलकर मरकज पहुंचने के लिए उकसाया है मुजीबुर रहमान साहब। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं उकसाया गया, बिल्कुल नहीं उकसाया गया। जैसे वली साहब ने अभी बताया कि लोगों को कह दिया गया था 2 महीने पहले कि जमात में, मुजीबुर रहमान माफी मांगेंगे तो छोटे हो जाएंगे। आप पूरे देश तक कोरोना वायरस फैला सकते हैं, लेकिन माफी मांगेंगे तो आज छोटे हो जाएंगे मुजीबुर रहमान। हम बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं 100 बार माफी मांगेंगे, लेकिन सोल्यूशन निकलना चाहिए। बात यह है कि किसी को बलि का बकरा बना करके बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप बलि का बकरा नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, आप विक्टिम नहीं है, आप इस वक्त कल्प्रिट हैं। बाहर से विदेशों से लोग आपके ऊपर जुर्म नहीं किया गया है, बिना टेस्ट के, आपने दूसरों पर जुर्म किया है। हिंदुस्तान के अंदर घूमे, कोरोना वायरस के डिटेल्स को और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को आपने वेलकम किया अपने मरकज में। दम रखिए इतना कि आप सच्चाई इस देश को बताएं। देश का दिल बहुत बड़ा है, आपको माफ करेगा अगर आप अपनी माफी मांगेंगे, बनिस्पत इसके कि दूसरों पर आरोप लगाते रहे। नहीं गलत, जो चीज हमारी सरकार को नहीं पता थी कि इतना खतरनाक हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, 22 मार्च को पहली बार बोला गया, तो वही चीज हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी उसी तरीके से अगर चाइना में हो रहा है जैसा भी सब जगह हो रहा है, जैसे जैसे हमारी सरकार ने स्टेप्स ली, जैसे जैसे हमारी सरकार ने स्टेप्स ली, वैसे वैसे सबको पता है। अपनी सरकार अपनी ली नहीं, देखिए सबको पता है, बच्चा डरा हुआ। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं करता हूँ कभी भी। ये सबको पता है कि ये वायरस खतरनाक है, ये सबको पता है हमें भीड़ नहीं करनी है, ये सबको पता है कि सोशल आइसोलेशन हो रहा है, ये सबको पता है। और एक जो बयान की बात है ना, वो मैं बिल्कुल मौलाना के बयान को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं, और वो बिल्कुल खतरनाक है, और वो इस्लाम में बहुत रियायतें दी गई हैं। और एक अजान में एक जुमला है जिसका मतलब होता है आप घर पर नमाज अदा कीजिए, वो भी है। तो जब नमाज घर पे अदा हो रही है तो हमको इस वक्त ये काम नहीं करना है, ये कंपलसरी ऑप्शन है,
जो काम ये है, मैं भी इससे हम कल से आप भी मेरे साथ इतनी दफा बैठे डॉक्टर वली, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब सलाह से काम नहीं चलेगा, अब सख्ती से काम चलेगा। डॉक्टर पात्रा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, तेरी रहमतों की कमी नहीं मेरी एहतियात में ढील है। और यही किया है मरकज में इन तमाम तबलीगी जमात के लोग जो वहां पहुंचे थे, उन्होंने एहतियात में ढील की और अब इसको पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियां कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज पर।